थोड़ा बहुत करेंगे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे, मतलब पहले मैं स्टार्टिंग से ही बता देती हूँ कि नाजीज़म एंड द राइज ऑफ हिटलर, इसमें हम लोगों ने पढ़ा था हिटलर के बारे में थोड़ा बहुत कि वो कैसा था कैसा नहीं, और हेलमुट के जो पापा थे वो हिटलर के क्या थे, एकदम मतलब हेल्पर थे, एक टाइप से बोल सकते हैं पूरा उसके साथ में थे। देन हम लोगों ने पढ़ा था बर्थ ऑफ वेमार रिपब्लिक, वो वेमार रिपब्लिक का बर्थ कैसे होता है, फिर नवंबर क्रिमिनल्स, मतलब नवंबर क्रिमिनल्स में क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं, लोग को मतलब कौन कौन सी परेशानियाँ हुई, वो सारा चीज़ हम लोग देख चुके थे। अब इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे पॉलिटिकल रिलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस, मतलब इकोनॉमिक्स क्राइसिस, मतलब उसका जो पूरा जो है पूरा नीचे कैसे गिर गया, मतलब उसका पूरा करेंसी वगैरह होता है वो सारा नीचे कैसे गिर गया, वो बिल्कुल कैसे मतलब डिवेटर हो गया। स्टार्ट करते हैं हम लोग। द बर्थ ऑफ वेमार रिपब्लिक कंसेंट विथ द रेवोल्यूशन अपराइजिंग द सेपरेट लैंग्वेज ऑन द पैटर्न ऑफ बोल्शेविक रेवोल्यूशन इन रसिया। फिर देखो हम लोगों ने बोल्शेविक रेवोल्यूशन ऑफ रसिया के बारे में पढ़ा था, राइट, हिस्ट्री में ही हम लोगों ने पढ़ा था, तो उसी टाइप से वेमार रिपब्लिक के साथ भी हुआ था जो आप लोगों को मैं बता दी हूँ। सोवेंट ऑफ वर्कर एंड सेलर वर इस्टेब्लिश्ड इन द सिटीज, द पॉलिटिकल एटमोसफियर इज बिलियन वॉज चेंज्ड विथ डिमांड फॉर सोवेंट स्टाइल गवर्नेंस। फिर देखो जो भी मतलब गवर्नमेंट्स वगैरह थे, जैसा कि यहाँ पे सोवियत गवर्नमेंट्स मींस जितने भी वर्कर वगैरह थे, जो भी वर्कर मतलब जो भी काम जो इंसान कर रहा था, जिसका कोई नॉर्मल शॉप वगैरह था, वो सब क्या हो गया था, बिल्कुल ना के बराबर चलना शुरू हो गया था, और गवर्नमेंट्स मतलब उसमें डिमांड भी नहीं बढ़ रहा था पैसा का, फिर उसको बहुत ज़रूरत हो गया था। दोज अपोजिशन टू दिस सच एज द सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक्स एंड कैथलिस्ट मीट इन वेमार टू गिव शेप अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। फिर देखो ये सब जो वेमार रिपब्लिक के जो थे कौन कौन थे, सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक्स एंड कैथोलिक्स, ये सब मतलब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक थे, इन्होंने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना दिया था जर्मन में कि वुमेन्स और मेन सबको वोटिंग राइट है, इसका मतलब वो डेमोक्रेटिक हो गया, तो उन सभी पे ये सारा चीज़ थोप दिया गया था। द वेमार रिपब्लिक क्रस्ट अ इम्प्रिजन विद द हेल्प ऑफ वॉर वेस्टर्न ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड फ्री क्रॉप्स, द अग्यून सेपरिस्ट लार्ज फाउंड ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मन कॉन्स्टेंट सोशलिस्ट हैंस फोर्थ बिकम इरिकॉन्डेबल इनेमीज कुड नॉट बी मैक कॉमन कॉजेस अगेंस्ट हिटलर। फिर क्या हुआ था, मतलब इतना हो जाने के बाद मतलब जितने भी इंसान थे, मतलब फिर क्या हुआ, देखो जो जो भी वेमार रिपब्लिक पे सारा मतलब वेमार रिपब्लिक एक सभा बुलाता है, फिर वहाँ पे जितना भी आदमी जो भी थोड़ा बहुत विश्वास जिसको भी था थोड़ा बहुत, वो वहाँ पे पहुँच जाता है। वहाँ पहुँच जाने के बाद मतलब वो बोलते हैं कि कुछ भी नहीं है हमारे पास, मतलब हमारे पास कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं, मतलब नोट छापना चालू कर देते हैं, मतलब इस कंट्री का पूरा करेंसी गिर चुका था, जर्मन में एक भी पैसा नहीं था, मीन्स पैसा नहीं था क्यों, क्योंकि वो बिल्कुल एक टाइप से कंगाल हो चुका था, बिकॉज सब ने उसका सब कुछ ले ही लिया था, तो उसके पास कुछ भी नहीं बचा, तो अब उसने क्या किया था, अंधाधुंध पैसा छापना शुरू कर दिया। पॉलिटिकल्स रेडिकलाइजेशन ऑन द वॉज ओनली हाइटेंड बाई द इकोनॉमिक क्राइसिस इन 1923 में ऐसा हुआ था, जर्मन हैड फाउट द वॉर लार्जली ऑन लोन्स एंड पे रैपिडली इन गोल्ड। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था कि जर्मन के आदमी को सबने कहा था क्या कि तुम कहीं नकली पैसा दे दोगे मुझे, तो उस पर क्या किया था, गोल्ड का टैक्स लगा दिया था, मतलब उसे गोल्ड के रूप में पैसा भरना पड़ेगा। दिस डिप्लेट गोल्ड रिजर्व एट द टाइम रिसोर्स वर स्केंस इन 1923 जर्मन रिफ्यूज टू पे द फ्रांस ऑक्यूपाइड इट्स लीडिंग इंडस्ट्रियल एरिया रूह टू क्लेम देयर कोल, जर्मन रिटर्न्स विथ पेजेस
पैसिव रेसिटेंस एंड प्रिंटेड पेपर क्रंसी रेसिकली। फिर अभी मैंने आप लोगों को बताया कि वो क्या किया था कि बहुत पैसा छापना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे क्या करना था, गोल्ड के रूप में पैसा पूरा चुकाना था। फिर इतना 1923 में जो मतलब जर्मन का जो हमारा एरिया था जर्मन में वो था रू, उसे भी कब्जा कर लिया गया था। किसके द्वारा? फ्रांस के द्वारा। फ्रांस उस पर ऑक्यूपाइड मीन्स कब्जा कर लिया था। इसी सब के कारण उसे क्या हुआ कि फिर देखो जैसे कि कोल वगैरह जितना भी उसका मैंने ऊपर बताया था कि कोल वगैरह इंडस्ट्री जितना भी सारा था वो सब कब्जा हो गया, तो इसके पास कुछ भी नहीं है। तो अब वहाँ के सरकार करेंगे क्या, जनता को भी मतलब बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, उसे भी भूख भूख वगैरह, मतलब जब पैसा नहीं रहेगा तो सामान कहाँ से खरीदेगा, तो भूखी वगैरह मतलब कि बोलते ना एक टाइप से हड़ताल आ जाना, भूखमरी जैसे बोलते हैं, तो वैसा हो गया था। तो वहाँ का जो गवर्नमेंट था बिल्कुल ये हो गया था, मतलब एकदम एक टाइप से एकदम पागल हो गया था कि अब कैसे क्या होगा। तो उसने क्या किया कि बहुत सारा करेंसी छापना शुरू कर दिया, करेंसी पे करेंसी वो छापता गया। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं उसके बाद क्या हुआ। With too much printed money in circulation, the value of the German mark fell in April. US dollar was equal to 24,000 mark in July, 3,53,000 mark in August, 44,621,000 mark and at 98,860,000 marks by December, the finger had run into a trailers. फिर देखो क्या हुआ, मतलब इतना मतलब वहाँ का बहुत ज़्यादा पैसा छप जाने के बाद क्या होगा, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा छप जाने के बाद कोई भी चीज़ का वैल्यू नहीं रहेगा। जब बहुत ज़्यादा पैसा हो जाता है तो वैल्यू कम हो जाता है, जैसा कि आप लोग अभी भी देख सकते हो। एक पेन का ही बात कर लेते हैं, अभी लिंकलाइजर का पेन जो है हमारा वो 7 रुपीज़ में मिल रहा है, पहले कितने का मिलता था, 5 रुपीज़ का, उससे पहले का मुझे भी नहीं पता कितने में मिल रहा होगा। तो पहले 5 का फिर 7 का, देन धीरे धीरे उसका रेट बढ़ेगा। तो जैसे जैसे पैसा हो रहा है वैसे वैसे क्या होता है, किसी भी चीज़ का दाम बढ़ जाता है। तो जर्मन ने बहुत ज़्यादा पैसा छाप लिया था, तो वहाँ पे अगर किसी को एक ब्रेड भी खरीदना होता है, मान लेते हैं ये हमारा एक ब्रेड है राइट, या फिर कुछ भी है, कोई भी सामान है, इसे खरीदने के लिए नॉर्मल सी बात है ब्रेड का पूरा, मतलब अगर आप पूरा एक पैकेट लेते हो तो 15 का पड़ जाता है पूरा। लेकिन वहाँ पे इसे खरीदने के लिए एक ब्रेड, मान लो एक ब्रेड को खरीदने के लिए इतना इतना पैसा सब दे रहा है, इतना इतना पैसा मीन्स तो आप लोग सोच ही सकते हो, पूरा बैग भर भर के पैसा दे रहा है, पूरा बोरी भर भर के पैसा उसे दे जा रहा है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ ही गया। फिर देखिए, अब देखो आगे क्या होता है कि इतना पैसा मतलब उसे दिया जा रहा है, तो उसका मतलब करेंसी लेवल घट गया, इसीलिए यहाँ पे इक्वल में दिया हुआ था, इतना का इक्वल इतना, मीन्स देखो US डॉलर में इतना मतलब कि 24,000 का इक्वल क्या हो गया था जर्मन में जुलाई के मंथ में इतना हो गया था। सो मैं आप लोगों को बता दी थी। फिर अगस्त में जाते जाते इतना हो गया, फिर दिसंबर में जाते जाते तो वो लाख तक पहुंच गया था, लाख से ज़्यादा ही हो गया था, मे बी लाख तक था, हाँ लाख तक ये पहुंच गया था, ये समझ में आ गया। एज द वैल्यू ऑफ मार्क कोलैप्स्ड प्राइस ऑफ गोल्ड सोर्स द एमेज ऑफ जर्मन कैरी कार्टलोड्स ऑफ करेंसी नोट बाय अ लॉफ ऑफ ब्रेड वाज वीकली पब्लिश्ड इवोकिंग वर्ल्ड वाइड कैंपेन द क्राइसिस कम टू बी नाउ एज हाइपरफोलियंस अ सॉल्यूशन व्हेन प्राइसेस राइज फेलोमिन हाई। फिर देखो हाइपर, इसी को हम लोगों ने क्या बोला था, हाइपरफिलेशन इसी को कहते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को आगे ही बता दिया, मीन्स मैंने पढ़ाया थोड़ा था, और मतलब देखो हिस्ट्री में क्या होता है आगे पीछे करके स्टोरी दिया होता है, इसीलिए देखो अभी ये नीचे दिखा रहा है यहाँ पे ब्रेड के बारे में, यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा है कि ब्रेड के बारे में नीचे दिखा रहा है, लेकिन ब्रेड के बारे में मैंने ऊपर बता दिया, वहाँ पे बस पैसे के बारे में बता रहा था।
तो ब्रेड के बारे में मैं भी मैंने बता दिया कि वहाँ पे कुछ भी लेने के लिए, ब्रेड मीन्स रोटी या फिर कुछ भी चावल वगैरह कुछ भी लेने के लिए लोग बोरे भर भर के पैसे देने लगे थे, क्योंकि क्या हुआ था, पैसे का कोई वैल्यू नहीं था, करेंसी लेवल बिल्कुल कम हो गया था इसी के कारण। इसी सब को बोलते हैं हाइपरफिलेशन, समझ में आ गया। इवेंचुअली द अमेरिकन इंटरवल्स द बेल्ड जर्मन आउट ऑफ द क्राइसिस इंट्रोडक्शन द ड्वेस प्लान विच रिवॉल्व्स द टर्म ऑफ रिपीटेशन टू कैश फाइनल बर्न ऑन जर्मन। फिर देखो इस टाइम में क्या होता है, उसका जो हेल्प अमेरिका करता है, इसके बारे में मैं इस चैप्टर में बताऊंगी, मतलब इस टॉपिक में, ईयर ऑफ डिप्रेशन में दिया हुआ है इसके बारे में कि फर्स्ट जो वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो वर्ल्ड वॉर के टाइम क्या हुआ था कि अमेरिका ने तो दिया था किसका साथ, फ्रांस ब्रिटेन रशिया का साथ अमेरिका ने दिया था, लेकिन इस टाइम क्या हो रहा है कि अब वही अमेरिका आके जर्मन का हेल्प करता है। अब इसे हम लोग आगे देखेंगे, द ईयर ऑफ डिप्रेशन में हम लोग देखेंगे। अगर आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।